दादी ने देखा है प्रोग्राम को? नहीं। हम अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी विश्वास नहीं करते और लोगों की कही बातों पर, कानों से सुनी बातों पर हम विश्वास कर लेते हैं। दोस्तों हम जब लोगों से जाके पूछते हैं, हम एक गलती कर बैठते हैं कि ऐसे लोगों से जाकर के मिलते हैं जिनको इनके बारे में पता ही नहीं होता और वो उल्टी सीधी बातें बोल करके हमें रोक देते हैं और हम अपनी जिंदगी बदलने से दोस्तों वंचित हो जाते हैं। दोस्तों या फिर हम लोगों से जाके मिलते हैं जो फेलियर होते हैं, फेलियर, और फेलियर व्यक्ति कभी किसी को सफल होने की सलाह दे नहीं सकता। सफल लोगों ने बात बोली है, यदि आपको किसी भी क्षेत्र में सफल होना है तो आप उस व्यक्ति से सलाह लीजिए जो व्यक्ति उस काम को पहले से कर रहा है और वो एक्सपर्ट है उस काम का और वो लगातार आगे बढ़ रहा है, एचीवमेंट ले रहा है, वही आपको सही सलाह दे सकता है, वही दे सकता है आपको। थैंक यू। तो साथी हमारे यहां बैठे सोच रहे होंगे कि चलो काम तो अच्छा कर भी लेंगे, लेकिन इतनी जल्दी क्या है, इतनी जल्दी क्या है, आज तो पहली बार आए, आराम से कर लेंगे, अगले भी कर लेंगे, उससे अगले भी कर लेंगे, एक महीने बाद कर लेंगे, दो महीने बाद कर लेंगे, ऐसा मजा आ गया था। लेकिन दोस्तों हमारा बिजनेस ऑनलाइन का है, जो व्यक्ति यहां पहला है वो जूनियर बन जाता है। और दोस्तों यदि आप पहले आते हैं, जो व्यक्ति पहले आता है सीनियर व्यक्ति को हमेशा ज्यादा पैसा मिलता है। अगर आप पहले आते हैं आपको बहुत बड़ा फायदा मिलता है और लेट आते हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। दोस्तों क्या आप जानना चाहते हैं? दोस्तों ये स्लाइड आपको पहले भी दिखाई गई थी, अभी आपका ध्यान कहीं भी हो लेकिन आप दो मिनट के लिए अपना ध्यान यहीं पर ले आइए, क्योंकि ये वही स्लाइड है जिसको देखकर के यहां से दोस्तों लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी को बदला है। तैयार जाने के लिए? यस। दोस्तों जो व्यक्ति आपको लेकर आया है वो भी इससे पहले से क्या हो गया चलो, और वो यू की पोजिशन पर है पहले से, और हर आदमी को दो स्पॉट मिलते हैं, ए और बी, दिखाई दे रहा है आपको? यस। मान लेते हैं बी वाली जगह उसने किसी और को दे रखी है और आज ए वाली जगह उसके पास खाली है, वो आपके लिए है। आप यदि यस करते हैं तो ये जगह आपको मिल जाएगी। आप कहते हैं मैं सोच के बताऊंगा, बात बताऊंगा, पूछ के बताऊंगा, तो ये जगह आपका इंतजार नहीं करेगी, ये किसी और को दे दी जाएगी। पर आप पहले बोल सकता है सी वाली जगह पर आए, डी वाली पर आए, जी एच आई के या फिर इनसे भी जा सकता है। दोस्तों यदि आप यस करते हैं, शुरुआत आज से और अभी से करते हैं तो आपको ये वाली जगह मिल जाएगी। दोस्तों हमारा प्यार वीकली होता है, इस वीक आप आ गए ये वाली जगह पर तो हमारा जो हेल्प करने का है। अब जो यू वाले भैया है वो आपकी हेल्प करेंगे और आपका पेयर कंप्लीट करवाएंगे, क्योंकि इनकम पेयर पे आती है। और आपके साथ अगले वीक में सी और डी आ गए, और जैसे सी और डी आपके साथ आएंगे आपका एक पेयर कम जाएगा और एक पेयर पे आपके दिन कमाएगी आपको 1000 रुपए। दोस्तों अगला वीक फिर आएगा नहीं आएगा? अब यू वाले भैया और आप दोनों मिलकर के सी और डी की हेल्प करेंगे। सी का पेयर कम होगा तो सी को कितने मिलेंगे? 1000। डी का पेयर बनेगा और डी को कितने मिलेंगे? 1000। आपने सिर्फ और सिर्फ इनसे पहले निर्णय ले लिया, आपने पहले हाँ कर दी, आपने पहले शुरुआत कर दी, इसकी वजह से आपको मिलेगा दोस्तों यहां से इनसे डबल, यानी कि पूरे पूरे 2000 रुपए। जब दोस्तों आपकी टीम बढ़ती चली जाएगी, जब आपका सी वाला साथी यहां से 10000 कमाएगा और डी वाला साथी 10000 कमाएगा, तो आप कमाएंगे यहां से 20000 रुपए। और जब ये दोनों 20000 कमाएंगे तो आप कितने कमाएंगे? 40000। और जब ये दोनों 50000 कमाएंगे तो आप कितना कमाएंगे? 1,00,000 रुपए। और जब ये दोनों 1,00,000 कमाएंगे तो आप कितना कमाओगे? 2,00,000। 2,00,000 दोस्तों, 2,00,000। आप समझ गए होंगे कि एक स्टेप ऊपर इनकम जस्ट डबल, एक स्टेप नीचे इनकम जस्ट आधी। मैं आपसे जानना चाहता हूं यदि आपको जिंदगी में सीनियर या जूनियर बनने का मौका मिले तो आप क्या बनना पसंद करेंगे? सीनियर। काफी समझदार है आप लोग, सीनियर बनना पसंद करेंगे। दोस्तों
यदि आपको पैसे कमा के लेने का मौका मिले या पैसे कमा के देने का मौका मिले तो क्या लेना? भाई समझदार तो है आप लोग दोस्तों, ये इसी दिन की बात है। यदि आप इसे लेते हो तो ये मौका आपका है। हम क्या करते हैं, अपनी जिंदगी का निर्णय डिसीजन चंद लोगों के हाथ में छोड़ देते हैं। मैं सब पूछ के बताऊंगा और वो लोग जो जानते भी नहीं है वो हमें सलाह देते हैं, मैंने तो करके छोड़ दी, कुछ नहीं होता। करके छोड़ दी, अगर करता रहता तो आज भूल भी यहां होता। दोस्तों बोला जाता है कि एक मिनट में किया हुआ काम आज मेरी जिंदगी को नहीं कर सकता, लेकिन एक मिनट में किया हुआ निर्णय इंसान की जिंदगी को बदल सकता है। दोस्तों इंसान की जिंदगी को बदल सकता है। आप लोगों ने कभी सुना है क्या कि आज रात को फलाने के घर पे भगवान आए थे, 50 करोड़ का डीप केस उसको भरा हुआ दे गए? सुना कभी आपने? नहीं। आपने ये तो सुना होगा कि फलाने के घर पर रात को भगवान आए थे और उसको 50 करोड़ का चेक दे गए। सुना आपने कभी? नहीं सुना दोस्तों। ना आपने कभी सुना है और ना कभी सुनेंगे। क्यों? क्योंकि ईश्वर कभी किसी घर पर कैश और चेक देने नहीं आता है। दोस्तों ईश्वर इंसान को आगे बढ़ने का, जिंदगी बदलने का सिर्फ मौका देता है, मौका। थैंक यू। देखो हमें नहीं पता आपको कितने मौके दिए ईश्वर ने जिंदगी बदलने के, लेकिन आज ये ईश्वर का दिया हुआ एक मौका है, एक मौका। दोस्तों बोला जाता है कि ईश्वर की मर्जी का कोई पत्ता भी नहीं चलता। यस नो? कितने लोग सहमत है मुझे? दोस्तों इसका मतलब यह है कि आप सभी किसी ना किसी रूप में ईश्वर को मानते हैं। यस नो? यस। दोस्तों आज हम और आप इस हॉल में मौजूद हैं अपनी मर्जी से या ऊपर वाले की मर्जी से? ऊपर वाले की मर्जी से। थैंक यू, बिल्कुल सही है दोस्तों। आज ये मौका हमें दिया है, किसने दिया है? ईश्वर ने दिया है। दोस्तों वो आपको इस धरती पर करोड़पति बनते हुए देखना चाहता है, इसलिए मौका दिया है। थैंक यू। और दोस्तों मैं धन्यवाद करवाना चाहता हूं, आपका सच्चा हृदय सिंह है तो वही एक शख्स है जो आपको यहां पर लेके आया है, क्योंकि वो भी अपने साथ साथ आपको यहां इस धरती पर दोस्तों करोड़पति बनते हुए देखना चाहता है। थैंक यू दोस्तों। मौका है, अभी यहां पर जितने दमदार मंच पर आए थे दोस्तों इनको भी एक दिन मौका मिला था। एक दिन दोस्तों हमें भी मौका मिला था और इस कंपनी के 4000 डायमंड हैं दोस्तों, उनको भी एक दिन सिर्फ मौका मिला था, मौका। कुछ लोग मौके को पहचान लेते हैं वो जिंदगी बहुत आगे निकल जाते हैं, और जो लोग मौके को नहीं पहचान दोस्त वो जिंदगी बहुत पीछे रह जाते हैं। दोस्तों अगर बात मौके की है तो एक 2 मिनट की स्टोरी के माध्यम से आज के सेमिनार को जल्दी को ले चलते हैं। एक बार क्या हुआ था, बरसात का मौसम था, घर घर बारिश हुई थी और बारिश के पानी दोस्तों बाढ़ का रूप ले लिया। बाढ़ आ रही थी, बाढ़ के रास्ते पे गांव आ रहा था दोस्तों, प्रशासन ने अनाउंसमेंट करवाया कि गांव को खाली करवा दो, बाढ़ आ रही है, गांव बह जाएगा। सारे लोग गांव को छोड़ छोड़ के वहां से चले गए। दोस्तों गांव के अंदर एक मंदिर था और मंदिर में एक पंडित जी रहा करते थे जो उसकी पूजा करते थे। एक व्यक्ति गांव वाला आया और पंडित जी बोला, पंडित जी पूरा गांव खाली हो चुका है, आप ही मंदिर को खाली कर दे, आपकी जान बच जाएगी। पंडित जी बोले, बेटा आप अपनी रक्षा करिए, मेरी रक्षा तो भगवान करेंगे। वो व्यक्ति चला गया, पानी भी आ गया। जैसे ही पानी आया एक नाव वाला व्यक्ति आया और नाव वाले बोला, पंडित जी मेरी नाव में बैठ जाइए, आपकी जान बच जाएगी, पानी अभी और तेज आने वाला है। पंडित से ही बोल दिया, बेटा आप रक्षा करिए, मेरे रक्षा तो भगवान करेंगे। वो भी चला गया, पानी और तेज आया और पंडित जी मंदिर की छत पर चढ़ गए। दोस्तों तुरंत ही एक हेलीकॉप्टर वाला व्यक्ति आया, उसने अपनी सीढ़ियां गिराई, बोला पंडित जी सीढ़ियों को पकड़ लो, आपकी जान बच जाएगी।
पटेल ने उससे बोल दिया बेटा आप ऐसा करिए, मेरा चाह तो भगवान करेंगे। दोस्तों वो भी चला गया, पानी और तेज आया और पानी के अंदर मंदिर भी डूब गया और पंडित जी भी डूब गए। अब जब पंडित डूब गए तो कहां पहुंच जाएंगे? ऊपर पहुंच गए। वहां लाल लगी हुई थी, इंटरव्यू चल रहा था, भगवान बैठे हुए थे, सूट बूट पहन के चश्मा लगा करके डायरी में लेके ऐसे तो बैठे रहते हो, लोग आ रहे थे पूछ रहे थे भगवान क्या लेते उनका इंटरव्यू ले रहे थे। शिव सुख का प्लान देखा फिर भी गरीब आ गया, चल साढ़े हो गया। मौका दिया था करोड़पति बन के नहीं आया, ऐसा पूछते हैं वहां पर, बताया आपको दोस्तों। पंडित जी का नाम आया, पंडित जी भी आ गए, जैसे भगवान के सामने आए बहुत नाराज हुए भगवान पर और बोले भगवान जिन लोगों ने कभी जिंदगी में तेरे हाथ तक नहीं जोड़े तूने उनकी जान बचाई और मैं दिन रात तेरी पूजा करता रहा तूने मेरी जान तक नहीं बचाई। भगवान बोले कि हे मूर्ख पंडित मैंने तुझे तेरी जिंदगी बचाने के तीन तीन मौके दिए थे, तीन तीन मौके। मैं आया था तेरे पास एक गांव वाले के रूप में लेकिन तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं आया था तेरे पास एक नाबालिग के रूप में लेकिन तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं आया था तेरे पास एक हेलीकॉप्टर वाले के रूप में लेकिन तूने मुझे पहचाना नहीं। तुझे तीन तीन मौके दिए थे, तुझे तीन तीन मौके दिए थे लेकिन तूने तीनों भी तीनों गवा दिए, तीन तीनों गवा दिए। दोस्तों चाहे जिंदगी बचाने के हो और चाहे जिंदगी बनाने के हो, ईश्वर सिर्फ इंसान को क्या देता है? मौका देता है, मौका। जो लोग मूर्खों को पहचान जाते हैं दोस्तों जिंदगी बहुत आगे निकल जाते हैं। दोस्तों हमें नहीं पता कितने मौके मिले आपको जिंदगी में, लेकिन ये भी आज ईश्वर का दिया हुआ एक आपके लिए मौका है, मौका। दोस्तों आज इस हॉल में बैठे हुए व्यक्ति कुछ लोग आज भी मौके को पहचानेंगे और वो जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में आज भी किनको बंद आएगा, ये लोग किराए पे आते हैं टाई वाले, क्या कहते हैं जो पहले आए थे वो 300 मारते हैं, लास्ट में वो 500 मारता है, क्या बोल लेता है तो पैसा मिलता है, ऐसा भी सोचते हैं। दोस्तों भारतीय लोगों को पहचानने की, दोस्तों अगर मैं इस विदेश में अपने अचीवमेंट की बात करूं तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज मैं पढ़ा लिखा हूं, मैंने अपने 25 साल पढ़ाई लिखाई में दी है, यस या नो? यस। आज मैं खेती के साथ साथ अगर कोई बिजनेस बगैर पैसे का कोई काम करना चाहूं बगैर लागत का तो एक प्रधान संत क्या कर सकता है? पढ़ा सकता है। बहुत सारे साथी यहाँ पर ये काम करते होंगे, जो सब करते हैं ना पढ़ाते भी हैं, मैं भी करता। अगर मैं किसी विद्यालय पढ़ाने जाऊं तो मुझे कितने पैसे मिल सकते हैं? 5,000, 8,000, 10,000, ज्यादा समय ज्यादा मिल सकते हैं, इतना ही होता है ना। यस। अगर मैं पूरे एक साल तक पढ़ाने जाऊं तो मुझे कितने पैसे मिल जाएंगे? 1,20,000। उसमें से कितने पैसे बचेंगे मेरे पास? सारे 1,20,000 खर्च हो जाएंगे, हो जाएंगे सारे खर्च, हो सकता है खर्चा भी हो जाएंगे। होता नहीं होता है दोस्तों, जहां मैंने अपनी 25 साल दी उस पढ़ाई लिखाई से मेरी अपना कमरी 10,000 कमाने की, और दोस्तों मेरे सिस्टम में सिर्फ 4-5 साल समय दिया इसने मेरी औकात बना ली दोस्तों 1,00,000 रुपए कमाने की, 1,00,000 रुपए। सिर्फ और सिर्फ मैंने विश्वास किया था, विश्वास। अब ये आप लोगों के हाथ में, आप कितना विश्वास करते हो कितना मौके को पहचानते हो। दोस्तों आप लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी, अपनी आंखों से देखा, लेकिन अब भी कुछ देखने के बावजूद भी, इतना कुछ सुनने के बावजूद भी आपके दिमाग में कोई प्रश्न है, कोई किंतु परंतु है, तो आप उसे यही क्लियर करके जाना, उसको साथ लेकर के
मत जाना। अगर आप आज भी साथ रहेंगे ना तो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से कोई आपको एक पक्ष रोक देगा, वही रोक देगा दोस्तों। यदि आपको प्रूफ देखना है तो आप प्रूफ देख सकते हैं, लेकिन आप विश्वास साथ लेके जाना यहाँ से कर सकते हैं। जो भी आपका साथी आपको यहाँ पर लेके आया उससे आप बातचीत करें, उनसे सुने समझे सीखे और दोस्तों बिजनेस की शुरुआत करें। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों आज के सेमिनार को यहीं क्लोज करते हैं। विश्व दावा एजेंट को दोस्तों आज हमारे साथ हॉल में कुछ लोग हमारे विनर विजेता है, प्राइज निकाली थी वो प्राइज जीती है, तो उनको आपके सामने सम्मान किया जाए। yes. उनका सम्मान देखना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू गुरुदेव।